मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक युवती ने चार युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। युवती का यह भी आरोप है कि युवकों ने उसका MMS भी बनाया है। युवती का आरोप है कि जब वह गर्भवती हो गई तो उसने परिजनों को पूरे मामले से अवगत कराया, जिसके बाद लोग लाज के डर से युवती के परिजनों ने युवती की शादी अमरोहा में कर दी, लेकिन युवकों ने उसके पति को MMS वाली बात बताकर उसका तलाक करा दिया। तीनों आरोपियों में से एक आरोपी युवती पर शादी का दबाव बनाता है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती का आरोप है कि क्षेत्र का ही एक युवक उससे जबरन शादी करना चाहता था, लेकिन युवती ने उससे इनकार कर दिया, जिसके बाद आरोपी युवक ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर उससे गैंगरेप कर डाला। इतना ही नहीं, आरोपियों ने गैंगरेप का MMS भी बना लिया, जिसके दम पर उन्होंने युवती को कहीं शिकायत ना करने को मजबूर कर रखा था। इसी दौरान रेप की शिकारी युवती गर्भवती हो गई, जिसके बाद उसने परिजनों को घटना के बारे में बताया। परिजनों ने लड़की की शादी कर दी, लेकिन आरोपियों ने लड़की के पति को गैंगरेप और MMS की बात बता उसका तलाक करा दिया, जिसके बाद लड़की ने पुलिस से पूरे मामले की शिकायत कर डाली। अभी कौन है आपके और क्या पूरी घटना बताएंगे? ये मेरी बहन है चचेरी। अच्छा, इसके साथ घटना जो हुई है वो मतलब लड़का था कुलदीप, जो इसे मतलब बेजा परेशान करता था। हमारे चाचा खत्म हो गए, वो इसे परेशान करता है, जब परेशान करता रहा इसकी इनने कोई सूची नहीं किसी को दी। उसके बाद में उनने इसके साथ दुष्कर्म करा तो और इसकी असील वीडियो बना ली और इसे डराया धमकाया था मंजी की नौक पर कि हम तुझे मार देंगे, तेरे भाइयों को मार देंगे अगर तूने किसी को कुछ बताया। तो ये लड़की डर गई, घबरा गई। इसकी अभी 6 मार्च को शादी हुई है, 6 मार्च को शादी हुई है इसकी। इसकी ससुराल में पहुंच के दबंगी करी, मारपीट करी। शादी कहां पर हुई है? शादी हुई है वो कालाकेड़ा हसनपुर बड़ता हसनपुर तहसील तहसील हसनपुर ससुराल पहुँच के क्या कर उन्होंने दबंगी करी। फिर क्या हुआ? इसे डराया, इसकी ससुराल में सबको डराया धमकाया कुलदीप ने। फिर क्या हुआ उसमें? फिर क्या, उसके ससुर ने इन्होंने इसे तलाक दे दी, इसे छोड़ दिया इस घटना को लेकर। हाँ, इस घटना को लेकर उन्होंने इसे तलाक दे दी। अब क्या चाहते हैं? मतलब उनके डरखौफ से लोंडों के जो उन्होंने दबंगिरी करी उसके डरखौफ से उन्होंने तलाक दे दी। आप कहाँ के निवासी? मैं वहीं का ऑफिसर। तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे आप? हमारे साथ जनवरी को 3 जनवरी को 16 जनवरी को हमारा पीछा करा इन लड़कों ने। माँ जंगल जाती थी, वहाँ पर खेत में ये हमें छेड़ते थे। हमने मजबूरी में किसी से ना बताई। कौन छेड़ते थे? लड़के। क्या नाम है? कुलदीप सुनील और तीन लड़के। उसके बाद में छेड़ते थे, फिर क्या कहा मैं उन्होंने अपनी माँ को और बहन को भेजी, मुझे अकेला देख कर माँ और बहन चली गई। उसके बाद में 3 लड़के आए, एक बाहर गेट का दरवाजा, दो कमरे में आ गए, एक ने वीडियो बनाई और एक ने मेरे साथ जबरदस्ती करी। उसके बाद में उससे कहने लगा उसको बताई तो तेरे भी व्हाट्सएप पर डाल देंगे हम। उसके बाद में वो चले गई तो मुझे डरा दी, किसी को कहने लगे कि तेरे भाइयों को मार देंगे अगर तुम किसी से। 2-3 बार उन्होंने मेरे साथ में ऐसे ही करा। उसके बाद में 7 तारीख की मेरी शादी रखी गई, 6 अप्रैल की मेरी शादी रखी गई, 6 अप्रैल की मेरी शादी हुई, 7 अप्रैल को वो मेरे घर पहुँचे ससुराल में। वहाँ पीने चक्की करी उन्होंने मेरे साथ में। फिर मेरे ससुराल वाले मुझे लेना आए तो उन्होंने रास्ते में रोक लिया। वहाँ इन्होंने तमंचा दिखाया, मेरे आदमी मारने की धमकी थी। फिर कल मेरे आदमी ने मुझे तलाक दे दिया। मतलब इस घटना को लेकर क्या कहा? वहाँ जाकर मेरे ससुराल में कहने लगे कि इसके पेट में मेरे बच्चे हैं। मेरे आदमी ने एड्रेस फोन करवाया, उसमें आया, उन्होंने मुझे तलाक दे दी। उन्होंने मारने की धमकी दी, अगर तुम्हें तलाक न देता हम तुम्हें मार देंगे। मुझसे कहने लगे मेरे घर के अगर तुमने किसी को बताया तो तेरे 2 छोटे छोटे भाइयों को मार देंगे। मैंने इसलिए मजबूरी में किसी को नहीं बताया। तो आपके पति ने तलाक दी तो वे इनके क्या कारण रहा? तलाक क्या वजह रही? यही वजह थी, ये मेरे घर गए, इन्होंने जबरदस्ती करी मेरे साथ में, मेरे आदमी को धमकाया, उन्होंने शोर मचाया, फिर उन्होंने तमंचा रख दिया मेरे आदमी के कंधे पर। सारी घटना बताई क्या उन्होंने? कहने लगे कि ये इसे या तो तलाक दे दो या फिर हम तुम्हें मार देंगे, ये हमारे साथ जाएगी। फिर अब उन्होंने कह दी कि हाँ ठीक है चलो हम तलाक दे देंगे। उसके बाद में कल उन्होंने मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दिया। जो ये वीडियो इन्होंने बनाई थी क्या उसकी धमकी दे रहे थे वायरल करने की? हाँ, बोले अगर तूने किसी को बताया तो तेरे मुंह पर तेजाब डाल देंगे और तेरी वीडियो व्हाट्सएप पर डाल देंगे और तेरे छोटे छोटे भाइयों को मार देंगे। 2 भाई हैं मेरे छोटे छोटे, 3 भाई हैं वो अंदर गांव में रहते हैं, मेरी हवेली अलग है। अच्छा,
आप क्या चाहती हो? आप मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ, इनके साथ में सख्त सख्त कार्रवाई करवाना चाहती हूँ। अच्छा, बात कर दी आपने थाने में से, पुलिस में शिकायत की? क्यों? अब जाएंगे करने के लिए। अच्छा, मेडिकल रेप का आरोप लगाया आपने, क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई, क्या शिकायत आप लोगों को मिली थी? पुलिस के पास कल रात एक तहरीर आई है जिसमें कि एक लड़की ने आरोप लगाया है कि मेरे साथ जो है बलात्कार करके तमंचे के बल पर बलात्कार किया गया और वीडियो बनाने का प्रयास किया गया। इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। कितने लोगों पर उसके द्वारा आरोप लगाया गया? उसके द्वारा एक ही आदमी पर जो है बलात्कार का आरोप लगाया गया। अच्छा, इसमें कुछ MMS की बात भी आ रही कि उसका MMS बनाया गया था जब उसने शादी से मना कर दिया, वो लड़का जबरन उससे शादी करना चाहता था, MMS बनाया गया, जब उसने मना करा तो उसकी शादी तोड़वा दी गई, इस प्रकार का कोई तथ्य संज्ञान नहीं है। पीड़िता का कहना यह है कि उसकी जो शादी हुई है हसनपुर के अहमदपुर में, वहाँ पर यह आरोपी पक्ष पहुँचा था और उसे उसके पति को वीडियो दिखाई थी, उसके उसी को लेकर उसके पति ने उसे तलाक दे दिया। जांच की जा रही है पर इस तरह की कोई बात अभी संज्ञान में नहीं है।